कोरोना संकट काल और लॉकडाउन के बीच एक बार फिर यात्रियों के लिए रेल सेवा शुरू हो रही है। 12 मई से फिर से पटरी पर भारतीय रेलवे आ जाएगी, लेकिन केवल 15 शहरों के लिए। वहीं भारतीय रेलवे ने श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को लेकर एक और फैसला लिया है। श्रमिकों के लिए रेलवे ने सोमवार को नया आदेश जारी किया है। रेलवे के नए ऑर्डर के अनुसार अब श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में 1200 यात्रियों के बजाय कुल 1700 श्रमिक यात्रा कर सकेंगे। इतना ही नहीं, अब इन स्पेशल ट्रेनों को नॉन स्टॉप नहीं चलाया जाएगा। अब ये ट्रेनें संबंधित राज्य में डेस्टिनेशन के अलावा 3 जगहों पर रुकेंगी। रेलवे की तरफ से जारी आदेश में रेलवे जोनों को संबंधित राज्यों में गंतव्य के अलावा 3 जगहों पर गाड़ियों को ठहराव के लिए कहा गया है। राज्य सरकारों ने रेलवे से ये गुजारिश की थी। ये गुजारिश इसलिए की गई थी कि एक ही रूट के ज्यादा से ज्यादा श्रमिकों को ले जाया जा सके। इसमें ये भी कहा गया है कि ट्रेन में यात्रियों को ले जाने की क्षमता उसमें मौजूद स्लीपर सीटों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। श्रमिक स्पेशल गाड़ियों में 24 कोच हैं और हर कोच में 72 यात्रियों को ले जाने की क्षमता है। सोशल डिस्टेंसिंग के प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए फिलहाल हर डिब्बे में 54 यात्रियों को लेकर ले जाया जा रहा है। मजदूरों को वापस पहुंचाने के लिए रेलवे की तरफ से करीब 350 स्पेशल श्रमिक ट्रेनें चलाई जा रही हैं, जो अलग अलग राज्यों की तरफ से कई शहरों के लिए चल रही हैं। ये सभी ट्रेनें राज्य सरकार की सिफारिश पर चलाई जा रही हैं। राज्य सरकार की सिफारिश में ही यात्रियों की लिस्ट दी जा रही है। अभी तक देश में 366 से अधिक श्रमिक ट्रेनें चल चुकी हैं, जिन्होंने करीब 4,00,000 से अधिक यात्रियों को घर पहुंचाया है। दूसरी तरफ एक अहम फैसले के तहत भारतीय रेलवे ने 12 मई से चुनिंदा रूट पर 15 स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। IRCTC की तरफ से इन ट्रेनों के लिए सोमवार यानी आज शाम 4 बजे से टिकट बुकिंग शुरू हो जाएगी। ध्यान रहे कि IRCTC के जरिए बुकिंग किसी एजेंट से नहीं कराई जा सकती। इसके लिए आपके पास IRCTC का अकाउंट होना चाहिए, जिस पर लॉगिन करने के बाद टिकट बुक कराया जा सकता है। इसके लिए आपको ये जानना जरूरी होगा कि वेबसाइट के जरिए किस तरह से बुकिंग की जा सकती है। सभी ट्रेनें नई दिल्ली से 15 रूट पर चलाई जाएंगी। आने वाले दिनों में भी कोच की उपलब्धता के आधार पर ऐसी ट्रेनें चल सकती हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। सब्सक्राइब कीजिए द पॉलिटिकल ऑप्टिक्स यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए देश दुनिया की ताजा खबरें सबसे पहले देखने के लिए।